दंतेवाड़ा जिला की पर्यटन नगरी बारसूर, जहां 10वीं से 13वीं शताब्दी तक नगवांश राजाओं का शासन हुए करता था। यही वजह है कि बस्तर में आज भी बहुत सी जगह नागों की प्रतिमाएं और मंदिर आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें से एक है बारसूर के पास स्थित नागफनी मंदिर, जो छिंदक राजाओं के शासन काल में निर्मित किया गया था। इस मंदिर में हर साल नाग पंचमी के दिन विशाल मेला लगता है, जिसमें आसपास के 36 गांव के लोग अपने देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह के साथ शामिल होने हैं। इस मंदिर के पास और भी कई मंदिरों के बिखेरे हुए टुकड़े मिलते हैं। इस नागफनी मंदिर को सन 1979 में भक्तों के सहयोग से मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया। प्राचीन काल के इस मंदिर की महत्ता को देखते हुए और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दंतेवाड़ा कलेक्टर विनीत नंदनवार के आदेश पर इस मंदिर का जीर्णोद्धार कर मंदिर को पुराने स्वरूप में लाने के लिए डिजाइन तैयार कर कार्य शुरू कर दिया गया। कलेक्टर विनीत नंदनवार बारसूर नगरी को बेहतरीन पर्यटन स्थल बनाने की और जुट गए हैं। उनका कहना है कि इसमें टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। बारसूर नगरी में एक से एक प्राचीन धरोहर मौजूद है और जब हम बारसूर के लिए गीदम से निकलेंगे तो मुख्य मार्ग में ही ये प्राचीन नाग मंदिर मिलेगा, इसलिए इसे भव्य रूप दिया जा रहा है ताकि इस क्षेत्र में हमारी धरोहर को संरक्षण करते हुए पर्यटन को बढ़ावा मिले और उसे रोजगार बढ़े। फनी का जो मंदिर है यहाँ पर बहुत प्राचीन जो है नागवंशी नाग मंदिर है यहाँ पर, और अभी जो है वर्तमान में क्योंकि बारसूर और उसका जो आपका टूरिज्म का जो रूट है उस पर ही ये अवस्थित है, और इसे जो है वहाँ के जो लोकल जो मंदिर हैं, चंद्रादित्य मंदिर है या अन्य जो मंदिर हैं, मामा भाचा मंदिर है, उसी की तर्ज पर इसके पुराने स्वरूप को बनाए रखते हुए कैसे इसको डेवलप किया जा सकता है, यही हमारा प्रयास है। और आने वाले समय में ये जो मंदिर डेवलप हो जाएगा तो न केवल यहाँ पर पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी बल्कि स्थानीय लोगों को भी जो है रोजगार में भी वहाँ पर वृद्धि मिलेगी। मंदिर के कई सारे जो हैं पहलू हैं और कई सारे इसमें रिचुअल्स हैं, कई सारी परंपराएं हैं, तो हमारा उद्देश्य यही है कि अगर एक बार वो मंदिर का अच्छे से डेवलपमेंट हो जाएगा तो इससे कहीं ना कहीं जो पारंपरिक और सांस्कृतिक जो गतिविधियाँ हैं उसको। बचेली से राजेश माहुलकर की रिपोर्ट।